नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद तालुक में। आज प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा संपन्न हो गई, यूपी टेट। आपका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। जो भी बैच के सदस्य थे उन लोगों ने भी अच्छा किया होगा, जो भी सदस्य ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया होगा। टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा कुछ ना कुछ यूपी टेट के लिए देता रहा है और सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने भी दिन भर प्रयास करके आप लोगों को दोनों पेपर हल कराए, पहली पाली का भी दूसरी पाली का भी। बहुत दिन से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आप थके भी होंगे। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। जैसे कि थंबनेल पे लिखा है थकना मना है, ये थकने का समय नहीं है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बीएड किए हुए हैं, बहुत सारे लोग बीएड ऐसे भी हैं जो प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर दोनों की ही संख्या को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या बहुतायत है। अधिकारी बनने का सपना सभी का है। आप जानते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से नीचे का पद है खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत महत्वपूर्ण पद है, अधिकारी लगा हुआ है। हमारा आपका हम सबका सपना था जब हम प्राथमिक जूनियर में पढ़ते थे कि हम बड़े होकर अधिकारी बनेंगे। 13 वर्ष बाद यह सुनहरा मौका मिला है। सभी लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है, सभी लोग फॉर्म भी भर रहे हैं, रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन तो बिल्कुल आसान नहीं है। ये बात क्यों हम आपसे कर रहे हैं प्रवेश से संबंधित, क्योंकि ये हमारा हक है, अधिकार है और कर्तव्य है, तीनों ही बातें हैं। क्यों है? क्योंकि हमने आपको इतने अच्छे से दोनों बैचेज में पढ़ाया है और फिर आज जो मेहनत हुई और जिस तरीके से आप लोगों के संस्थान को फोन और संदेश आए तो हमें लगा कि बिल्कुल ये हमारी अधिकारिता है कि हम आपसे पूरे हक और कर्तव्य से कह सकते हैं कि हम इस पद को पाने में, इस अधिकारी के पद को पाने में आपके सारथी बनना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। आपने जिस विश्वसनीयता से टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपी टेट, सी टेट, पिछले सुपर टेट, बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चयनित हुए, लगातार फोन कॉल और संदेश करते रहे, देते रहे, फिर वही समय आया है बीईओ के रूप में, खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में। हम दावा करते हैं और हम दावा ऐसे ही नहीं करते हैं। आज जब आपने पेपर दिया तो आपने देखा 85 से 90% प्रश्न आपको हमारे नोट से मिले हैं। जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो भी बिल्कुल अलग नहीं है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दावा करता हूं आपसे 80% जो पद हैं खंड शिक्षा अधिकारी के वो टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रहेगा। मैं प्रॉमिस भी करता हूं, मैं आपको दावा भी करता हूं, यही संस्थान उन पदों को भरेगा। क्यों? क्योंकि टीम से लेकर हम लोगों ने जो रिसर्च किया है और हम लोग जो करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अनोखा और बहुत जबरदस्त है। हमने जब आपको यूपी टेट में वादा किया था, हम पहले ऐसे संस्थान है कि यूपी टेट के पेपर के बाद तुरंत आपके सामने आए हैं और जितने वादे हमने वहां पे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया और आज हम ओपन प्लेटफॉर्म पर आपसे ये बात कह रहे हैं। चाहे वो सुपर टेट के छात्र छात्राएं हों, चाहे वो यूपी टेट के छात्र छात्राएं हों, चाहे वो सी टेट के छात्र छात्राएं हों, बीएड, बीटीसी और टीचिंग से संबंधित जितने भी बैच रहे हैं हम लोगों ने उसमें बहुत शानदार किया है और खंड शिक्षा अधिकारी में भी 80% पदों को नोट्स के माध्यम से और लाइव क्लासेस के माध्यम से हम आपको भरने का वादा करते हैं। दो लाइनें हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, नादान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए फुटबॉल लेके किसी प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि गोल कहां करना है तो शाम तक हम थक जाएंगे, क्यों? हमने पहले लक्ष्य को नहीं बनाया। तो लक्ष्य भेदने के लिए लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा और बिना थके आज आप एक गहरी नींद लीजिए और कल से शुरू हो जाइए, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया अनवरत जारी है। नीचे स्क्रॉलिंग पर जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबर्स पर आप फोन करके प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, या जो व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पर दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है इंट्री बीईओ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इंट्री बीईओ लिखकर भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आप हमारे बैच के सदस्य हो जाएंगे। 11 तारीख से हम लोग प्रचंड रूप से कक्षाओं का प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यूपी टेट के जो सभी सदस्य, आप लोगों का जो आज रिस्पांस आया उससे हमारी पूरी टीम को एक ऊर्जा मिली है। हमेशा ही आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया।
दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी प्रक्रियाएं रही, आपने पढ़ने में खूब साथ दिया और शिक्षकों ने पढ़ाने में खूब साथ दिया, और आज यूपी टेट का जो पेपर आया है और जो प्रश्न आए हैं और जो नोट्स हमने आपको दिए थे, हमें लगा कि हमारी मेहनत आज सफल है, इसलिए हम आपसे तुरंत रूबरू हो रहे हैं। 13 वर्ष बाद जो इतनी महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है, ये ऐसे ही नहीं आपके पास आ जाएगी। कंपटीशन है, मेहनत करेंगे निश्चित मिलेगी। आपके आसपास के बहुत सारे लोग चयनित भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। आज अफसर ने आपका भी दरवाजा खटखटाया है, तो इस समय आपको भी मौका है। आपके मन में मलाल नहीं होना चाहिए कि हमें मौका नहीं मिला। आपको इलाहाबाद, दिल्ली, पटना कहीं आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठिए, हम आपको सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी देते हैं। हम सभी बैचेज में एक ही तरह की फैकल्टी से नहीं आपको पढ़वा रहे हैं, बल्कि बैच की प्रकृति के हिसाब से हम अध्यापकों का चुनाव करते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब किसी नए अध्यापक का लेक्चर आपको मिलता है तो आपका प्रेम स्नेह अध्यापक को हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जब जब हम पर विश्वास किया है, आज तक कोई क्वेश्चन मार्क हम लोगों की तरफ से आपको नहीं रहा, हमने आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी दी है। आप बहुत सारे ऐसे अध्यापकों को देख रहे हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी की प्रकृति के हिसाब से आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आपने हमेशा हम पर भरोसा किया है, तो इस समय भी वो समय है कि आप हम पर भरोसा करें अध्यापकों को लेकर। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने आलोक सर के कुशल निर्देशन में कभी भी शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। मैं स्वयं भी खड़ा हूं, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, मैं भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था, आगे भी जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होंगे, तो आप लोगों का वो स्नेह मिलना चाहिए। और शिक्षक चुनने का जो विशेषाधिकार है वो पूर्ण रूप से संस्थान को होना चाहिए। हमने खोज खोज के मोती लाके आपको दिए हैं, आगे भी हम इसी तरह करेंगे, कभी भी आपका भरोसा टूटेगा नहीं, हम आपकी कसौटियों पर खड़े उतरेंगे और 80% पद इन्हीं शिक्षकों के साथ आप भरेंगे। ना केवल प्रारंभिक परीक्षा का बल्कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही अपने विवेक से आराम से कवर कर सकते हैं। इतना आपको बताया जाएगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी लेखन शैली है तो आप मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी क्लियर कर लेंगे। हिंदी हम आप लोगों को इसी प्रारंभिक परीक्षा के पैकेज के साथ पूरी मुख्य परीक्षा का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसी के साथ उसकी क्लासेस चलेंगी, वो सभी आप लोगों के लिए इसी पैकेज के साथ है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। मार्केट में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, आप घर बैठे तैयारी करिए, मार्केट में इतनी ज्यादा सामग्री है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 22 तारीख परीक्षा की डेट है, 22 तारीख परीक्षा की डेट है, 22 मार्च को संभावित है आपकी बीईओ की परीक्षा जो हमारी जानकारी है, तो आपके पास बहुत समय तो है नहीं, तो आप उस सामग्री को पलटें। इससे अच्छा है कि आप इस सुनहरे अवसर को जाने ना दें, आप टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की विश्वसनीय टीम से जुड़ें। मैं स्वयं पहले दिन से अंतिम दिन तक आपके साथ रहूंगा और मैं वादा करता हूं कि 80%, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे यूपी टेट जो देके आए हैं उन्होंने कहा सर हम क्वालिफाई है, 80% पर बीयू में 80% से ज्यादा पाठ्यक्रम से प्रश्न आएंगे और 80% से ज्यादा पद हम लोग यहां से भरेंगे, ये मेरा आपसे दावा रहा। विश्वास है हमें, अपनी टीम पर विश्वास है, हमें अपने स्टाफ पर विश्वास है, हमें स्वयं पर विश्वास है कि हम कर सकते हैं क्योंकि पिछले बैचेज में हमने बहुत मेहनत की है। तो इसी विश्वसनीयता के साथ जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री बीईओ आपको लिखकर भेजना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया अनवरत जारी है, आप प्रवेश लीजिए, है ना, और आप पूरी विश्वसनीयता से प्रवेश लीजिए। रवि तिवारी आपको वादा दिलाता है 2020 में यह प्रवेश माइलस्टोन निर्णय होगा आपके जीवन का। आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे अगर आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे हमको दे सकते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर आप जिस दिन देके निकलेंगे, आप पूरा पेपर करके आएंगे घर बैठे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी विश्वसनीयता मैं आपको दिलाता हूं। तो ना तो ये थकने का समय है, ना ये रुकने का समय है, बल्कि ये आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर एक बार आप अधिकारी बन गए तो सोचिए, अगर आप प्राथमिक स्कूल में, जूनियर स्कूल में अध्यापक हैं तो आप 50-50, 100-100 अध्यापकों के साहब बनने वाले हैं,
आप एक जिले स्तर के अधिकारी बनने वाले हैं जिसका पद और रुतबा बीएससी से ठीक नीचे होता है लेकिन बहुत सारे लोगों से ठीक ऊपर होता है। और ऐसा कोई कठिन भी नहीं है, मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है और आपके पास ये अवसर आया है इसलिए आपको घर नहीं बैठना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। आइए, हम बैचेज में आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। यूपी टेट के जिन सदस्यों का आज पेपर था उनको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी के जो सदस्य नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं आप मैसेज करिए, नीचे आए स्क्रॉलिंग नंबर पर कॉल करिए, बाकी पूरी जिम्मेदारियां आप पूरी विश्वसनीयता के साथ हम पर छोड़ दीजिए। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप हमें बताइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।